सत श्री अकाल, मैं हाँ जसवीर ते टीवी पंजाब दे खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। सब तो पहले एक नज़र पाउने आ अज दियां खास खास खबरां ते। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे रिश्तेदार ते पै छापियां ते भखी सियासत। सुखबीर बादल ने की चन्नी दे अस्तीफे की मंग। राघव चड्डा ने कहा चन्नी दे मुख्यमंत्री बनन तो बाद ही की गई काली कमाई। कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने किसानों के हक की की गल। सिद्धू मुताबक किसानों की जिंदगी बदलन का काम करेगी कांग्रेस। सरकार बनन ते दाल तेल बीज ते मक्की ते दिती जाएगी लीगल MSP। राणा गुरजीत ने अपने खिलाफ हाईकमांड को चिट्ठी लिखण वाले कांग्रेसी लीडर ते विन्या निशाना। राणा गुरजीत ने कहा जेकर हिम्मत है तो चारे उम्मीदवार उन्होंने कपूरथला तो हरा के विखाउण। सेवा मुक्त जस्टिस रणजीत सिंह गिल ने बेअदबी लई डेरा सिरसा मुखी नूं अते गोली कांड लई तत्कालीन मुख्यमंत्री ते DGP नूं दस्या जिम्मेवार। जस्टिस गिल चंडीगढ़ विखे अपनी किताब कर रहे सन रिलीज़। अते साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नूं होया करोना। बादल नूं लुधियाणा के DMC हस्पताल विखे इलाज लई करवाया गया दाखिल। अपने रूटीन चैकअप लई हस्पताल पहुंचे सन बादल। ते हुण खबरां दा विस्थार। एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट ने पंजाब च छापियां दौरान पंजाब दे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे रिश्तेदार दे घरों करीब 8 करोड़ रुपए समेत 10 करोड़ की नकदी बरामद की है। एजेंसी ने कई दस्तावेज ते इलैक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए ने। ED दे सूत्रां मुताबक इस कार्रवाई दौरान करीब 10 करोड़ रुपए की नकदी जब्त हुई है, जिस विच चन्नी दे भतीजे भुपिंदर सिंह हनी दे घरों मिले करीब 8 करोड़ रुपए शामिल ने। इस तो इलावा संदीप कुमार वजों पछाणे गए व्यक्ति नाल जुड़े कंपलैक्स तो 2 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। संघी जांच एजेंसी जल्दी ही सारे आरोपियों को समन भेज सकती है। ED ने चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाणा अते पठानकोट समेत सूबे के दर्जन भर स्थानों पर छापे मारे सन। सूत्रों मुताबक इनकम टैक्स विभाग भी छेती ही इस मामले कार्रवाई कर सकता है। आम आदमी पार्टी के पंजाब मामलों के सह इंचार्ज राघव चड्डा ने इल्जाम लगाया कि मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदार के घरों मिले करोड़ों रुपए पिछले 111 दिनों कमाए गए हैं। राघव चड्डा अनुसार चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे को पहला कुछ भी नहीं सी। जिवें ही चन्नी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने रिश्तेदार के वारे न्यारे हो गए। राघव चड्डा मुताबक जेकर रिश्तेदार के घरों करोड़ों रुपए मिल सकते हैं तो चन्नी ने किन्नी कमाई की होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी के भतीजे के पास आज से कुछ महीने पहले तक इतनी संपत्ति, इतनी वेल्थ, इतने करोड़ रुपए नहीं होते थे और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पिछले 111 दिनों में ही उन्होंने इकट्ठी करी। यानी कि वही 111 दिन जब चरणजीत सिंह चन्नी साहब मुख्यमंत्री थे पंजाब के। अब आप सोचिए कि अगर एक भतीजे मुख्यमंत्री के, एक भतीजे के घर पे इतना सब कुछ, इतने करोड़ रुपए, इतना सोना, इतनी करोड़ रुपए की गाड़ियां, प्रॉपर्टी के कागज जब्त हो सकते हैं, बरामद हो सकते हैं, तो सोचिए कि बाकी भतीजों और रिश्तेदारों के यहां पर क्या क्या मिलेगा। दूसरी चीज सोचिए कि अगर रेड अभी तो भतीजे पे हुई चन्नी साहब के, और उस भतीजे के पास करोड़ों रुपए मिल गए, नकद मिल गए, अगर ये रेड चन्नी साहब के अपने घर पर हो जाती तो सोचिए कितने करोड़ रुपए, कितनी संपत्ति मिलती। और तीसरी चीज सोचिए कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी साहब 111 दिन की बजाय 5 साल पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री रहे या रहे होते तो कितनी बेशुमार दौलत वो भ्रष्टाचार करके कमा सकते थे, कितनी उन्होंने कमाई होती। अगर 111 दिन में उनके भतीजे के घर से 10-10 करोड़ रुपए सोने, गाड़ियां, 56 करोड़ की बैंक एंट्रियां, कागजात प्रॉपर्टी के मिल रहे हैं, सिर्फ 111 दिन में अगर इतना कमा लिया तो 5 साल में चन्नी साहब कितना कमाते। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार के घर हुई ED की छापेमारी से अपना प्रतिक्रम दिता है।
सुखबीर बादल अमृतसर विखे कांग्रेस के तीन कौंसलर अपनी पार्टी शामिल करवाने मौके मीडिया न गलबात कर रहे सन। सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, इत्थे एक वधिया मुख्यमंत्री ते सरकार की लोड़ है। कांग्रेस ने पंजाब च पहला 4.5 साल लई कैप्टन अमरिंदर सिंह नू मुख्यमंत्री बनाया ते फिर 3 महीने लई एक गरीब नू मुख्यमंत्री बनाया जिसके रिश्तेदार के घरों 10 करोड़ रुपए मिले ने। सुखबीर बादल ने कहा जेकर ईडी चन्नी दे घर रेड करे तो ट्रंकों के ट्रंक करोड़ों रुपए नाल भरे मिल सकते हैं। सुखबीर बादल ने मुख्यमंत्री चन्नी तो अस्तीफे की भी मंग की। पंजाब एक बॉर्डर सूबा है, पंजाब सूबे नू एक वधिया मुख्यमंत्री एक वधिया सरकार की लोड़ है। साढ़े 4 साल कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री रहा, साढ़े 4 साल बर्बाद करते, फिर 3 महीने वास्ते उन्होंने एक गरीब नू मुख्यमंत्री बनाया जिदे घरों कल 6 करोड़ रुपया मिला, हूँ 10 हो गया। हले तो पंजाब की इंटेलीजेंस ने दसता सी इन्होंने पैसे कढ़ा के सारे मुख्यमंत्री ने अपने मरिंडे घरे रख ले ते दूजे जगह पर भेज दते। मैं शुरू तो कह रहा सी कि सब तो वड्डा माइनिंग माफिया पंजाब का चन्नी है। तुसी देखिया होना है कि जो आनंदपुर साहब के हल्के जो माइनिंग की रेड पई पार्टियां ने की तो चन्नी मुख्यमंत्री गया कहने वास्ते कि सारा जायज है। पहली गल जो रेड पई है तो चन्नी मुख्यमंत्री माइनिंग से उत्थे जाके कहे कि जायज है, मतलब की सी? वो जिहड़े इलीगल ये बंदे कर रहे थे उन्होंने हौसला देने वास्ते गया सी कि मैं मुख्यमंत्री हाँ, कोई चिंता करने की लोड़ नहीं। करोड़ों रुपये मैं लगता चन्नी ने घट तो घट 200-300 करोड़ रुपया इन्हां 2-3 महीनों इकट्ठा किया। आ तो एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है जो 6 करोड़ लभे है, आ तो जवा एक आ जिहड़ा इहदा भतीजा है जिहदा नाम है भुपिंदर भांजा जिहदा नाम है भुपिंदर सिंह हनीच, सही मैंने तो सारियां बदलियां ट्रांसफर कोई कम जिहड़ी दुकान मरिंडे घर च जिन्हें खोली सी जिहड़ा इंचार्ज है चन्नी की दुकान का शोरूम का आ हनी है, इन्हें कोई काम करवाना है, कोई CLU लेना है, नक्शे पास करवाने हैं, इलीगल कॉलोनी पास करो, कुछ भी एक चीज़ करवानी है, सौदे करना आ है। अज मैनू बड़ी हैरानी आती है जो कहते हैं कि साडा पोलिटिकल वेंडेटा हो रहा हूँ। जो मजीठा साहब ने झूठा केस किया उदों की कहते सी हूँ, क्योंकि परमात्मा के घर च अंधेर नहीं दे इंसाफ मिलता है। आई जेड़े अपने आप नूं समझे सी फंकार आ गया सी ते परमात्मा ने उन्होंने सही सड़क ते सिटिया। 6 करोड़ रुपया हुण 10 करोड़ कहिंदे आ पूरा हो गया। एक भांजे वो करदा की है उन्हूं पता करो उहदी नौकरी की है, काम की है, प्रॉपर्टी की है। उहदी कल्ली प्रॉपर्टी है कि वह भांजा है मुख्यमंत्री का, साली का मुंडा है। तो आ हालात है तो मैं हूँ कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहना जवाब देन, मुख्यमंत्री इमीजिएटली इस्तीफा देना चाहिए। जे मुख्यमंत्री का मुरिंडे घर रेड कर लेना मैं लगता ट्रंक तो ट्रंक नोटों के मिलने। सुखबीर बादल ने अरविंद केजरीवाल वालों भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा चुनन के तरीके से भी सवाल चुके। सुखबीर बादल ने मीडिया नाल गलबात करदिआं कहा कि केजरीवाल ने जनता को गुमराह करने लिए यह सारा ड्रामा रचिया। एक फोन नंबर उत्ते एक साल विच भी 24 लाख कालां नहीं कीतियां जा सकदियां। सुखबीर बादल ने कहा कि केजरीवाल ने भगवंत मान को मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलानण लई फर्जी सर्वे का सहारा लिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लख कोशिशों के बावजूद भी कोई होर वधिया चेहरा लभण च नाकाम रही सी। अरविंद केजरीवाल नू जदों भी पंजाब च आउंदा सी उहनू भगवंत मान नाल बैठा हुंदा सी ते उहनू पुछदे हुंदे सी प्रेस वाले कि थोड़ा CM चेहरा कौन है, वो कहिंदा एक चंगा वधिया बंदा देवांगे। प्रेस वाले पुछदे सी भगवंत मान थोड़े प्रधान है, उदों ना कर दिंदा सी। हुण क्यों? क्योंकि पूरे पंजाब च नहीं जिथे जिथे सोचता सी कि आह भी मेरा बन जाए, आह भी बन जाए,
कोई बंदा किसे लीडर ने आम आदमी पार्टी जान तो सारे ने इनकार कर दिता, क्योंकि केजरीवाल सारे जानते हैं डिक्टेटर है, एंटी पंजाब है। सारे फैसले दिल्ली होके केजरीवाल आप करता है। पांच साल केजरीवाल पिछले पांच साल दो या तीन बार पंजाब च आया, जो पंजाब नू लोड सी कोविड की बीमारी सी, किते उन्हें दवाई भेजी, किते उन्हें कोई ऑक्सीजन भेजी, उदा अपना ही बुरा हाल सी। दिल्ली विच दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उत्थे लंगर सेवा भी की, हॉस्पिटल भी खोले, जिवें पंजाब विच पंजाब दी चन्नी से तो कांग्रेस सरकार फेल हो गई, उदों पंजाब दे SGPC ने 12-15 हॉस्पिटल खोले। जिहड़ा काम सरकारां दा ओह संस्था कर लगियां, क्योंकि दोनों कांग्रेस ते आम आदमी पार्टी दोनों ने इन्नी नकमियां पार्टियां। ते हुण मैं एक सवाल पुछना चाहुंदा केजरीवाल नूं, कंधां ते लिखिया कि केजरीवाल नूं एक मौका दिओ कि वह सारे पोस्टर फाड़ोंगे तो कहोंगे कि भगवंत मान नूं एक मौका दिओ, क्योंकि असली हुण चीफ मिनिस्टर सानूं हले भी नहीं पता, लोग की केजरीवाल ते विश्वास करन कि भगवंत मान ते करन, क्योंकि पोस्टर तो कल केजरीवाल का ना लेंदे, भगवंत मान का तो ना ही नहीं लेंदे। कि इनू डमी बनाया अंगूठा छाप कि जो केजरीवाल कहूगा खड़ा हो जा खड़ा हो जा बह जा बह जा। जे लोगों ने चुनिया हुंदा ते तुसी याद करो, इन्हें जो तो पहले पोल आते जो जाली पेड पोल, अजकल पेड सर्वे बड़े चल रहे हैं, वो हर बार केजरीवाल नू सब तो उत्ते रखते सी, कौन किनू चीफ मिनिस्टर चाहते हैं, केजरीवाल ते भगवंत मान नू 1% 2%, हुण किवें एकदम उत्ते करता सारे 98%। एक टेलीफोन नंबर उन्होंने दिता, एक टेलीफोन नंबर कहते जी 24 लाख कॉल आ गई एक तीन दिन टेलीफोन नंबर दे, मैं लगता एक साल च भी नहीं आ सकती, कोशिश कर लो 24 लाख डायल कर दिए। इन्होंने ड्रामा है सारा झूठ। इस बार कांग्रेस सत्ता की कुर्सी लई नहीं सगों किसानां दी जिंदगी बचाउण लई चोण लड़ेगी, यह कहना है पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू का, जो अज चंडीगढ़ विखे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन कर रहे सन। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जे चोणां तो बाद कांग्रेस सत्ता च आई तो दाल तेल बीज और मक्की ते लीगल MSP दिती जाएगी। इस तो अलावा वेयरहाउसिंग कारपोरेशन च स्टोरेज लई किसानां नूं थां दिती जाएगी। दस दिए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कांग्रेस लीडर वालों किसानों से लिखी किताब आमदनी ना हुई दुगना बनाम दर्द 100 गुणा लॉन्च की गई। पंजाब सरकार अगर वोटेड इन टू पावर विल गिव लीगलाइज MSP ऑन दाल ऑयल सीड एंड मेज। दाल ऑयल सीड और मकई के ऊपर पंजाब सरकार लीगलाइज्ड MSP देगी। इस देश में 75,000 करोड़ रुपए के तेल बीजों से जो तेल निकलते हैं वो इंपोर्ट किए जाते हैं, और अगर दाल को मिला लो तो 1,00,000 करोड़ रुपए वर्थ ऑफ दाल एंड ऑयल सीड्स के जो ऑयल निकलते हैं वो इंपोर्ट होते हैं। हम वो पैसे साइड पे रखेंगे और थ्रू पंसअप एंड मार्कफेड वी विल डू प्रोक्योरमेंट एंड गिव लीगलाइज्ड MSP। और इसका कारण है कि 2 से 3 गुना ज्यादा बफर स्टॉक है आज चावल का सेंटर की सरकार के, और आज उन्हें हमारी जरूरत नहीं है, इसलिए वो हमें MSP देना भी वाजिब नहीं मानते। वी विल कॉल इट द येलो रेवोल्यूशन, ऑयल सीड्स की रेवोल्यूशन। आज हरियाणा की भी अगर आप देखें तो 4-5 गुना तिलों का तेल हो चाहे सरसों का तेल हो, ये बीजों से 5-5, 7-7 गुना पैसे कमाए जाते हैं। 5 एकड़ वाला फार्मर खेत में जो भी लेबर लेके आएगा पंजाब सरकार उसकी लेबर को पूरी तरह से सब्सिडाइज करेगी, उसका हाथ बटाएगी। खेत मजदूर का तो मैं पहले ही बोल चुका हूं,
logic to give subsidy in hands of farm labor, small farm families, incentive crop diversification and labor incentive cultivation. ये पंजाब सरकार करेगी साहब. अगला जो मैं अनाउंसमेंट पंजाब मॉडल की करना चाहता हूं वो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है. अगर मकई 1600 रुपए की हम लोग कहते हैं कि जोन में उगाइए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए और उसे 1200 मिलता है या 1100 मिलता है, वी विल पे द गैप. द गैप विल बी पेड टू द फार्मर. दिस इज द मार्केट इंटरवेंशन स्कीम जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे. इसके अलावा किसान की सबसे बड़ी कमजोरी जो उसकी एक्सप्लॉयटेशन का कारण बनती है साहब, वो है उसके पास स्टोरेज नहीं है. जितनी भी हमारी स्टोरेज है आज ड्राई ग्रेन के लिए, चाहे वो चावल है चाहे वो गेहूं है, हम वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में किसान को यह इजाजत देंगे कि वो अपना कितना भी सामान स्टोर कर सकता है और 80% will be given to him, 80% of the worth will be given to him as loan. वो चाहे 3 महीने बाद बेचे, चाहे 4 महीने बाद बेचे, जब भी बेचना चाहे वो बेचे. राणा गुरजीत सिंह ने उन्हें पार्टी चो कढ़न की मांग नू लेके हाईकमान नू पत्र लिखण वाले कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों खिलाफ तिखा हमला बोलदिया वड्डी चुनौती दिती है. राणा गुरजीत ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों ते विधायकों नू सवाल करदिया कहा कि जेकर उन्होंने पिछले 5 साल लोक सेवा की है तो फिर डर किस गल दा है. राणा गुरजीत ने सीधी चुनौती दिंदिया कहा कि जेकर ये 4 उम्मीदवार अपने आप नू फन्ने खान समझते हैं तो 4 रल के उन्होंने कपूरथले तो हरा के विखाउण. इस दे नाल ही राणा गुरजीत ने अपने पुत्र दे सुल्तानपुर लोधी तो आज़ाद उम्मीदवार वजों चोण लड़न का बचा किया. राणा गुरजीत ने कहा कि जेकर उन्हों का पुत्र चोण हार गया तो वह आप नवजोत सिंह सिद्धू तो कांग्रेस हाईकमान तो मुआफ़ी मंगणगे. ये मैनू मंत्री हटाने लई इन्होंने एक तो जेल चो ही करता सी, उसके बाद जेल चले गया. हुण जेल चो कहिंदा कि वी राणे नू सोनिया गांधी कढ दे. ओ यारो मैनू टेंटेड दसदा आप जेल च है. तुसीं देखो बेईमान लोग किदां झूठ नू सच बना दिंदे आ. और वो झूठा बंदा जेल च बैठा अपने आप नू अज वी कहिंदा कि मैं देश भगत हाँ. ओ यारा तू जेल च है. वैसे मौका मिलिया सुखपाल सिंह खहरा जेल च बैठा माला जप रब तो अपनियां भुलां बख्शा और शायद तेरे खैर पावे. लेकिन जड़ियां तेरियां करतूतां जेल च बैठे दी भी तू जिंदगी च तड़फदा ही रहेगा. मेरे अर्गे बंदे ने पंगा रहेगा यारो. मैं जिंदगी च कदे किसी का माड़ा किया ही नहीं. हुण रही गल मैनू कांग्रेस चो कढ़ाउण दी, इहनू चाहीदा मैनू कांग्रेस चो कढ़ा देवे. भी कांग्रेस दे मालक देखणगे कि राणे दा फायदा या नुकसान है. जे मैं फायदेमंद होया तो सोनिया जी मैनू कदे भी नहीं कढ़णगे. और जे कढ भी देणगे मैं तेरे अर्गा नहीं कि लुतरू कदे इधरों भज के उधर चले गया, उधरों जिधर कुत्ते नू बुरकी पाई दी जिधर बुरकी वड्डी हुई उधर चले गया. यारो ये बंदियां दे काम है. राणा घर बैठ जूगा, कांग्रेस का विरोध नहीं करूँगा, सोनिया जी का विरोध नहीं करूँगा. मैं पक्का कांग्रेसी हाँ. मैं नहीं कदे आम आदमी उतों ठुड पिया फिर कांग्रेस की कुछ बोले हो तुसी और कढ़ा दिओ मैनू फिर मैं तुहानू उस्ताद मनूंगा. नहीं हो पता की रहा कि ये चारों दे चारों अपने हल्कियां च हार रहे हैं चारों जी. और ये हार मेरे खाते पौनी चाहते आ कि राणा इंटरफेयर करदा. राणा सारे दुआबे च पॉपुलर आ, राणा कांग्रेस का एसेट आ, राणा कांग्रेस लई कम करदा, राणा कांग्रेस लई कम करेगा. और ये जे इन्ने मेरे खिलाफ ने तो यार मैं तो कल्ला. तुसीं 4-4, 6-6 भेडां दी की हुंदी भेडां कट्ठियां होनियां तो आओ ना फिर कपूरथले राणे नूं हरा के विखाओ. समाणा तो विधायक रजिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री चन्नी दे रिश्तेदार ते ईडी वल्लों कीती जा रही छापेमारी नूं राजनीति तो प्रेरित दस्सिया है. रजिंदर सिंह मुताबक चोणां नेड़े भाजपा केंद्र दीआं एजेंसियां दा इस्तेमाल विरोधी पार्टियां ते लीडरां नूं तंग परेशान करन लई करदी है. इस तो पहला भाजपा पछमी बंगाल च भी अजिहा ही कर चुकी है. भाजपा मुख्यमंत्री चन्नी वल्लों कीते जा रहे कम्मां नूं वेख के बौखला गई है. इसलिए उन्होंने बदनाम ते तंग परेशान करन लई केंद्रीय एजेंसियां दा सहारा लिया जा सकता है पर इसका कोई फायदा मिलन वाला नहीं है.
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ED ਹੈ, ਜਿਹੜਾ CBI ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ BJP ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਲੈ ਲਿਓ, UP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਓ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ BJP ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅੱਜ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ 3-3, 4-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਕੱਲਾ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਹੋਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50-50, 60-60 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ, 80+ ਅਸੀਂ 80+ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੂ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ED ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸਿਆ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ED ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ED ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਆ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ, ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਮਝੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਮਦਨ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ED ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ED ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ED ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਚਾਹ ਤਾਂ ਤਾਰ ਲੁਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ED ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਸੌਂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਮਦਨ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ 'ਚੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਕਮਾਇਆ, ED ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਹਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੱਢੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਰੂਗੀ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਮਦਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਠੱਲ ਪੈ ਜੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਮਦਨ ਨੂੰ ED ਦਾ ਡਰਾਬਾ ਦੇ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ BJP ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਆ। ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿਆਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦ ਸੈਕਰੀਲੇਜ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਹੁਣ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀ ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ MSC 2 ਸੀ ਉਸਕੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁਆ ਥਾ। ਯੇ 2007 ਸੇ ਆਨਵਰਡ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਥੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਪ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਵਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਕੀ ਮਾਫੀ ਜੋ ਦਿਲਾਈ ਗਈ ਥੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਵੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸਿਪਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਸਰ ਵੋ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਮੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾ ਨਾਮ ਆਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਇਨਵੋਲਵ ਥੀ ਮਾਫੀ ਦਿਲਵਾਨੇ ਮੇਂ ਵੀ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੇਂ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਮੇਂ ਲਿਖਾ ਹੈ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਵੋ ਬਾਈ ਨੇਮ ਲਿਖਾ ਆਪਨੇ ਉਨਕੋ ਬਾਈ ਨੇਮ ਲਿਖਾ ਹੈ ਆਪ ਮਾਨਤੇ ਹੋ ਉਨਕਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਮੈਂ
जो कुछ लिखा है इसमें वो मेरा आई स्टैंड बाय दैट। पंजाब दे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नू कोरोना हो गया है, उन्होंने सेहत जांच लुधियाना के हीरो DMC हस्पताल लिया गया सी, जिथे उन्हों का कोरोना टैसट किया गया। टैसट की रिपोर्ट उन्होंने कोरोना होने की पुष्टि हुई है, इस कारण उन्होंने तुरंत हस्पताल दाखिल कर लिया गया। दस दिए कि प्रकाश सिंह बादल अज सवेरे लुधियाना के DMC हस्पताल लिया गया सी। हालांकि पहला कहा जा रहा है कि यह रेगूलर मैडिकल चैकअप है, पर बाद च कोरोना की पुष्टि हो गई। प्रकाश सिंह बादल पिछले लंबे समय तो चोण प्रचार च सरगर्म ने, वो लंबी हल्के च लोगों नाल राबता बना रहे हैं, घर घर चोण प्रचार कर रहे हैं। शायद इस दौरान वो किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क च आ गए सन। देश च जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू होंदी जा रही है। पिछले 24 घंटों च कोरोना वायरस के 282,970 नवे मामले सामने आए हैं, 441 लोगों की मौत हो गई है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों जारी अंकड़ों मुताबक हुण देश च एक्टिव मामलों की गिनती 18,30,000 हो गई है। इस दे नाल ही इस महामारी कारण जान गवाउण वाले लोगों की गिनती 487,202 हो गई है। अंकड़ों मुताबक बीते दिन 188,157 लोग ठीक होए सन, जिस तो बाद हुण तक 3,55,83,039 लोग इस बीमारी तो मुक्त हो चुके हैं। देश च जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू होंगी जा रही है। इसके नाल ही कोरोना के सब तो खतरनाक रूप ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी नाल बढ़ रहे हैं। देश च पिछले 24 घंटे च कोरोना वायरस के 282,970 नवे मामले सामने आए हैं। इस दे नाल ही कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट के हुण तक 8,961 मामले सामने आए हैं। देश च रोजाना पॉजिटिविटी दर हुण 15.13 है। वड्डी गल यह है कि देश च बीते दिन नालों 44,952 वध मामले सामने आए हैं। बीते दिन कोरोना वायरस के 238,018 मामले सन। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों जारी अंकड़े अनुसार हुण देश च एक्टिव मामलों की गिनती 18,30,000 हो गई है। इस दे नाल ही यह महामारी कारण जान गवाउण वाले लोगों की गिनती 487,202 हो गई है। आंकड़े अनुसार बीते दिन 188,157 लोग ठीक हुए सन, जिस तो बाद हुण तक 3,55,83,039 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। देश पदरी टीकाकरण मुहिम तहत हुण तक एंटी कोरोना वायरस वैक्सीन दियां 158 करोड़ तो वध खुराक दित्तियां जा चुकियां हैं। बीते दिन 67,35,229 डोजा दित्तियां गई सन, जिस तो बाद हुण तक 158,88,47,546 डोज वैक्सीन दित्तियां जा चुकियां हैं। देश च हुण तक 8,961 लोग ओमिक्रॉन वेरियंट नाल संक्रमित हो चुके हैं। सब तो वध मामले महाराष्ट्र अते राजधानी दिल्ली च हन। इंडियन काउंसिल ऑफ मैडिकल रिसर्च ने जानकारी दी है कि बीते दिन भारत च कोरोना वायरस के 18,69,642 सैंपल टैसट किए गए सन, जिस तो बाद बीते दिन तक कुल 70,74,21,650 सैंपलों के टैसट किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV पंजाब। ये सन हुण तक दीआं खबरां ते जांदे जांदे एक बार फिर नज़र पाउने आ मुख खबरां ते। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे रिश्तेदार ते पै छापियां ते भखी सियासत। सुखबीर बादल ने की चन्नी दे अस्तीफे की मंग। राघव चड्डा ने कहा चन्नी दे मुख्यमंत्री बनन तो बाद ही की गई काली कमाई। कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने किसानों के हक की की गल। सिद्धू मुताबक किसानों की जिंदगी बदलन का काम करेगी कांग्रेस। सरकार बनन ते दाल तेल बीज ते मक्की ते दिती जाएगी लीगल MSP। राणा गुरजीत ने अपने खिलाफ हाईकमांड को चिट्ठी लिखण वाले कांग्रेसी लीडर ते विन्या निशाना। राणा गुरजीत ने कहा जेकर हिम्मत है तो चारे उम्मीदवार उन्होंने कपूरथला तो हरा के विखाउण। सेवा मुक्त जस्टिस रणजीत सिंह गिल ने बेअदबी लई डेरा सिरसा मुखी नूं अते गोली कांड लई तत्कालीन मुख्यमंत्री ते DGP नूं दस्या जिम्मेवार। जस्टिस गिल चंडीगढ़ विखे अपनी किताब कर रहे सन रिलीज़। अते साबका मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नूं होया कोरोना। बादल नूं लुधियाना दे DMC हस्पताल विखे इलाज लई करवाया गया दाखिल। अपने रूटीन चैकअप लई हस्पताल पहुंचे सन बादल। इस दे नाल ही अपने जसवीर नूं दिओ इजाजत। सेहतमंद रहो, सुरक्षित रहो ते देखते रहो TV पंजाब।